लगता है कि हमने जो कार्य छेड़ा है, हमने जो काम के लिए आगे बढ़े हैं, हम का जो नारा है वो नारा बुलंद हो रहा है और डील नहीं होती है। देखिए हम लोग सब एक साथ मिल के चलने की बात किए हैं और हम NDA के पार्ट हैं। बारिश आएगी आंधी के साथ और बिहार आगे बढ़ेगा जीतन राम मांझी के साथ। देखिए नवादा में ये नारा हर जुबान पर है। आपको बता दें कि नवादा में आज हम का बड़ा कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि नवादा में क्या करने जा रहे हैं, कहाँ हुंकार भरेंगे और क्या क्या कुछ करेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग हर जगह ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और नवादा इस कड़ी में है। पहले भी हम लोग यात्रा निकाले हैं, अब सम्मेलन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का, नवादा के जिला अध्यक्ष और जितने भी नवादा के कार्यकर्ता हैं सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि पार्टी को झंडा ले करके जन जन तक जाने का कोशिश किए हैं। हम के हमने जिन्हें सुलू पर हम की रचना हुई उसका पालन उन लोग कर रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम होते रहेगा। जो उत्साह हमने देखा है और जो भीड़ की शक्ल आप देखेंगे, जैसे आपने बोला कि आंधी पानी सब आया हुआ, उसके बाद भी जनता आ रही है तो लगता है कि हमने जो कार्य छेड़ा है, हमने जो काम के लिए आगे बढ़े हैं, हम का जो नारा है वो नारा बुलंद हो रहा है और जनता का। मतलब हम ये समझे कि NDA की तरफ से हम की सीट पक्की है क्या नवादा वाली? देखिए वो सीट की पक्की है कि नहीं इस पर हम कोई अभी बात नहीं करना चाहते हैं, विवाद का मामला, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हर जगह तैयारी कर रहे हैं। जहां हम लोग को लड़ने का मौका मिलेगा वहां पूरे मुस्तैदी से, पूरे सही तरीके से, पूरे ताकतवर हम की उपस्थिति नजर आएगी। दिल्ली गए थे, PM मोदी के साथ भी मुलाकात हुई, गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात है, कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो डील पक्की हुई होगी, कब खोलिएगा? अरे डील नहीं होती है, देखिए हम लोग सब एक साथ मिल के चलने की बात किए हैं और हम NDA के पार्ट हैं और NDA के जब पार्ट हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव भी चर्चा हो रही है 3 सीट। अब चर्चा हो रही है वो तो चर्चा आप लोग कर रहे हैं, अभी बातें फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हम अपनी जगह तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद हम जमुई में भी तैयारी करेंगे, पूर्णिया में भी आप कार्यक्रम देखे हैं। अच्छा। और आगे भी कार्यक्रम होता रहेगा, इससे इसका मतलब नहीं निकाले, लेकिन नवादा अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो नवादा। लेकिन संतोष जी ने बड़ी मांग कर दी है, साफ कहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती है तो मेरे पिता राज्यपाल क्यों नहीं? हमने ऐसी कोई बात नहीं की, पता नहीं बातें कहाँ से आ रही है। अगर ऐसा कोई वीडियो है तो मुझे दिखाएं कि मैं ऐसी कोई बात बोला है। मैं इंडिया जो है लगातार बढ़त बना रही है, NDA को डबल झटका लग गया है, राहुल गांधी को राहत मिली, नीतीश कुमार जीत गए। अब नीतीश कुमार जीते हैं कि हारे हैं तो आप खुद समझना चाहिए। नीतीश कुमार जी खुद प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, जब राहुल गांधी जी बरी हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर बड़ी पार्टी है वो कैंडिडेट होंगे। नीतीश कुमार जी तो परेशान अब नज़र आ रहे होंगे, अब सोच रहे होंगे कि जिस मकसद से हम आए हैं संयोजक बनने के लिए, प्रधानमंत्री या कैंडिडेट बनने के लिए, वो पूरा नहीं होगा, उनका जो सपना था चकनाचूर हो गया। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, के साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, हम तो और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।